ये आज जो यात्रा हमने पहली बार ये स्टार्ट की हुई है जे एंड के स्टेट से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से कांवड़ यात्रा, जो कि अभी तो 11 लोगों के साथ ही इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो अगर भगवान की कृपा रही, भोलेनाथ की कृपा रही, तो हम अगले साल इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और भी कितने दिन का टूर रहेगा ये हमारा? 4 दिन का टूर है, और 4 दिन के बाद ये जो हम गंगा जल हरिद्वार से लाएंगे, वो 5 बजे जो है देव का मंदिर आप शंभू मंदिर में वो कांवड़ चढ़ाई जाएगी। जय श्री राम। श्रावण मास एक बहुत पवित्र महीना हमारे हिंदू धर्म में है, और मैं उधमपुर के खासकर विकास जी और इनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने एक नई शुरुआत जो है उधमपुर से की है। अक्सर हम जब ट्रेन में, बसों में या प्राइवेट गाड़ी में जब खासकर हम दिल्ली से आगे देखते थे, तो इस श्रावण मास में हजारों और लाखों की तादाद में लोग पद यात्रा कर रहे होते थे, और कांवड़ यात्रा में वो अलग अलग अपने अपने जो उनके तीर्थ स्थान है वहाँ पे जाते थे। हम देखते थे कि ऐसा हमारे एरिया में नहीं होता है, इस साइड ही होता है, लेकिन आज यहाँ उधमपुर से शुरुआत हुई है, तो बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, और मैं मैसेज दूंगा सभी साथियों को कि चलो आज तो ये पहली बार शुरुआत है, पहला साल है, तो अगले साल से ज़्यादा तादाद में लोग निकलें, ताकि श्रावण मास में जो हमारा एक पवित्र महीना होता है, और इसमें हम खासकर गंगा जल लेके आएँ और अपने गंगा माता के दर्शन करें, शिव जी भगवान के दर्शन करें। और इस मास में हम सभी साथियों को ये कहना चाहेंगे कि एक धार्मिक की दृष्टि से हमारा एक बहुत बड़ा महीना है, और इस महीने में लोग अलग अलग धार्मिक कार्य करते हैं, और ये हमारी टीम जो है इस तरीके का धार्मिक कार्य करके एक पूरे समाज को एक मैसेज देना चाहती है। हमारी एक बार फिर से इनको हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये जो कांवड़ यात्रा का जहाँ से प्रारंभ हुआ है, मैं सबसे पहले विकास जी को और इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने उधमपुर से इस यात्रा की शुरुआत की है, और ये हरिद्वार में जाकर संपन्न होगी। और हमें भी इन्होंने जहाँ पर इस यात्रा के शुभारंभ पर सौभाग्य प्राप्त कराया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइंदा आने वाले समय में अगले साल इसको और अच्छे तरीके से हम करेंगे। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार का भी सहयोग ये हमसे अपेक्षित करेंगे, हम पूरा इनका सहयोग करेंगे, और इनको एक बार फिर से बधाई।